देखो बेटे, आज अपना टॉपिक स्टार्ट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम थी बच्चे की वो सुनो। सबसे पहले था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। बेटे ओरेस्टेड ने क्या बताया, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था सुनो। ओरेस्टेड ने क्या कहा था, ओरेस्टेड ने कहा कि ये वायर है और अगर वायर से करंट पास हो रहा है तो करंट पास होने से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। उसने क्या कहा, अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। तीसरा क्या था, उसने कहा अगर हम करंट का अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाता है। ये सबसे पहले ओरेस्टेड ने बताया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि किसी भी वायर से अगर करंट पास होता है तो उसके अराउंड, उसके चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आपको बता दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक सेकंड, और अगर करंट का अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से इंक्रीज, डिक्रीज होने से डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद काफी साइंटिस्ट आए, हर्ट्ज भी आया, मार्कोनी भी आया, काफी लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया। इसके बाद जो रूल दे पाए उनमें था बेटे एम्पियर, जिसका नाम एम्पियर स्विमिंग रूल रखा गया। अब एम्पियर स्विमिंग रूल बच्चे की दूसरी प्रॉब्लम थी। ओरेस्टेड ने क्या बताया आपको, क्लियर बता दिया बेटे, अगर वायर से करंट पास होता है तो उसके अराउंड क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका रिवर्स हो जाता है। और अगर हम, अगला पॉइंट बोला, अंशु बेटे वीडियो ऑफ कर लो, अब ठीक है। अगर हम, अगला पॉइंट क्या बोला बेटे, अगर करंट का अमाउंट चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका चेंज होगा। ये सब बताया था ओरेस्टेड ने। इसके बाद जो अपने पास आता है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल आप समझिए कि इससे, स्नो रूल से समझो, फिर एम्पियर स्विमिंग रूल बताता हूँ। स्नो रूल क्या होता है, ये कहता है अगर करंट आपका पास होता है, इफ द करंट विल पास फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बेटे म्यूट कर लीजिए, किस बच्चे अनम्यूट है, हो गया। अगर करंट पास होता है साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ पोल विल डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स वेस्ट, तो आपका जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये स्नो रूल बोलता है। दोबारा सुनो, इफ करंट विल पास फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ पोल विल डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स वेस्ट। और ये किसने, ये कौन सा रूल है, स्नो रूल। यहीं से एम्पियर स्विमिंग रूल आया। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या बोलता है, ये मान लीजिए कोई मैन है और मैन स्विम कर रहा है, स्विमिंग रूल उसी से लिया गया। ये इसके क्या है, फिट। करंट यहां से एंटर हुआ, करंट एंटर होता है फिट से, और हेड से क्या होगा, लीव। तो कैसे रूल बना बताया बेटे, इफ करंट विल एंटर थ्रू द फिट एंड लीव फ्रॉम द हेड, देन देखो करंट साउथ से नॉर्थ, क्लियर। अब नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट किधर होगा, वेस्ट की तरफ। तो इसने क्या कहा, इफ करंट विल पास फ्रॉम, इफ करंट विल एंटर थ्रू द फिट एंड लीव द हेड, देन यहां पर जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, विल डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स वेस्ट। विल डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट का मतलब नॉर्थ पोल विल डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स लेफ्ट हैंड। जो मैन का, जो मैन स्विम कर रहा है, तैर रहा है, उसके लेफ्ट हैंड की साइड क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसका नाम एम्पियर स्विमिंग रूल दिया गया। दोबारा सुनो बेटे, इफ करंट विल एंटर थ्रू द फिट, पैरों से एंटर हो एंड लीव फ्रॉम द हेड, और हेड से लीव करे, देन नॉर्थ पोल विल डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होता है। ये बताया गया था एम्पियर स्विमिंग रूल। अब यहीं से आपको बता देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड पहले बताया है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला होती है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, कल फ्लक्स पढ़ा रहे थे, फ्लक्स से निकाल सकते हैं। अच्छा, सीजीएस यूनिट अगर आपने निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो गोज होती है, और 1 टेस्ला बराबर होता है 10^4 गोज के बराबर। ठीक है, अब आगे का, नेक्स्ट
नेक्स्ट बच्चे की प्रॉब्लम थी, इसी में पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, पहला चैप्टर ही है उसका, तो उसमें था बायट सेवर्ट्स लॉ, और अपने अगर हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी बायट सेवर्ट्स लॉ बड़ा इम्पोर्टेंट है। बायट सेवर्ट्स लॉ होता है क्या है? बायट सेवर्ट्स लॉ होता है बेटे, इट इज ए मेथड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। एक स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है? जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, किसके स्मॉल अगर एलिमेंट लिया है तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कौन से लॉ के थ्रू आता है बेटे? बायट सेवर्ट्स लॉ के थ्रू आता है। अगर लॉ को डिफाइन करना है तो हम ये बोलेंगे द मेथड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट इज नोन एज बायट सेवर्ट्स लॉ। देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये किसके अकॉर्डिंग आते हैं? तो डी बी स्मॉल है, क्योंकि ये जो लिखा है आई डी एल करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट आई डी एल पूरा एक बनाएंगे जिसको हम करंट एलिमेंट बोलते हैं, और करंट एलिमेंट आइडियल करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आइडियल आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया मैंने किसके कारण? ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट दैट इज नोन एज बायट सेवर्ट्स। अब अपने पास जो रूल आता है तो तीन जगह अप्लीकेबल करवाएंगे, पहला स्टेट कंडक्टर, दूसरा रिंग, और तीसरा रिंग के एक्सिस के ऊपर। तो पहले मैं आपको स्टेट कंडक्टर पढ़ाता हूं, स्टेट कंडक्टर के रूल समझाता हूं। पहला रूल, अगर स्टेट कंडक्टर दे दिया गया है आपको, बट इसके लिए डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। स्टेट कंडक्टर में फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आपने पहले भी पढ़ा था, B का फॉर्मूला है बेटे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, सॉरी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, ठीक है, इनटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 कौन है वो देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम तो कौन है? आर। और बेटे ऊपर वाले एंड को मैंने देखा, जो एंगल बना दैट एंगल इज थीटा वन, और नीचे वाले एंड को जो मैं देख रहा हूं दैट एंगल इज थीटा। ये स्टेट कंडक्टर है आपके पास, अपर एंड को जिस एंगल पे देखते हैं उसका नाम थीटा वन, और लोअर वाले एंड को जिस एंगल के ऊपर देख रहे हैं उसका नाम थीटा टू है, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका नाम आर होता है, ठीक है? तो फॉर्मूला लर्न करना, इतना तो आप बार बार आप हर फॉर्मूले में यूज होगा, म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर। अगर क्वाइल का केस होता तो इनटू में एंगल करते थे, और अगर स्टेट कंडक्टर का केस है तो आप लिखना साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। यहां से सुनो, ये अगर आपको कंडक्टर जो दिया गया है, ये कंडक्टर लॉन्ग दे, वर्ड यूज करे लॉन्ग या इनफाइनाइट, अगर दोनों में से कौन सा भी वर्ड यूज करता है तब आप क्या करोगे? अगर आपके पास आता है लॉन्ग या इनफाइनाइट वर्ड तब आप क्या करोगे? ये जो एंगल नजर आया थीटा वन 90, थीटा टू 90, दोनों पुट करना जब हम कहां पर हो, बीच में। सेंटर जरूरी नहीं बिल्कुल बीच में, क्योंकि इनफाइनाइट है तो उसका सेंटर तो निकाल नहीं पाएंगे, बट हम जो देख रहे हैं इस एंड से, इस पॉइंट से ये एंड बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो आप इसको 90 पुट कर दें, ये बहुत ज्यादा दूर है एंड, तो इस एंगल को भी 90 पुट कर देना। और अगर हम एक एंड के पास है, नियर वन एंड, जिस एंड के पास है
जो मैं बोल रहा हूँ नियर वन एंड, जिस एंड के पास है हम, वो एंगल आर कितना पुट करना, जीरो डिग्री। दोबारा सुनिए, ये दोनों एंगल 90 कब बनेंगे, जब हम बहुत ज्यादा दूर हैं, और ये जो एंगल है जीरो डिग्री कब बनेगा, जब हम एक एंड के पास है। बेटे वीडियो मेरी क्लियर आ रही है क्या, मेरे को फटी नजर आ रही है, एक अनम्यूट करना। यस सर। बेटे वीडियो क्लियर नहीं आ रही ना सर, कभी कभी क्लियर नहीं आती, वैसे क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, मैं देख पा रहा हूँ मेरे में क्लियर नजर नहीं आ रही थी इसलिए पूछा। जिस एंड के अगर हम पास हैं, वो एंगल आपका जीरो डिग्री बनेगा, और अगर बहुत दूर हैं तो एंगल आपका 90 बनता है। ठीक है बेटे, एंगल की वैल्यू 0-90 कब नहीं होती, जब आपका ये जो कंडक्टर है इनफाइनाइट या लॉन्ग वर्ड यूज नहीं करता है, और वो कहता है कि फाइनाइट डिस्टेंस। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोनों फॉर्मूले, बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। अगर हम बीच में है और दोनों एंड से बहुत ज्यादा दूर है, तब दोनों एंगल 90, साइन 90, 1 और 1 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। और अगर हम एक एंड के पास हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हैं, तब बेटे एक एंगल 0 डिग्री, तो साइन 0 0 बनेगा और साइन 91 बनता है। तो उस केस में 1 0 1 1, तो बस इतना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वर्क करेगा। और दूसरा बता दिया, अगर लॉन्ग है इनफाइनाइट है, तो दोनों एंगल 90 90, तो आंसर आता है 2 के साथ। देखिए बेटे, अब इसको मैं करवाता हूँ फाइनाइट से। अगर फाइनाइट आता है तो कब आता है, तो ये होता है, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया, कुछ और ही नजर आया। ठीक है बेटे, एक स्क्वायर बनाया और इसका सेंटर है, और सेंटर के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा गया है, ये करंट पास हो रहा है। तो अगर आपको नजर आ रहा है बेटे, अपने पास 4 कंडक्टर हैं, और 4 जो कंडक्टर हैं, ये ना तो इनफाइनाइट है ना लॉन्ग है, इनकी कोई ना कोई वैल्यू गिवन दी गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं ये साइड ए है, तो ये भी ए आएगी। अगर स्क्वायर माना है तब, रेक्टेंगल अगर मानता हूं, तो ये साइड बी और ये साइड भी बी आएगी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब 4 को सोल्व ना करके 1 को सोल्व करते हैं, इस कंडक्टर को मानते। अभी जो डायग्राम बनाया वो कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले आपको ये साइड निकालनी होगी, हमने बोला स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल, दोनों केसेस में ये एंगल आपके पास कितने आएंगे, 45 डिग्री और 45 डिग्री, चाहे आपके पास स्क्वायर है चाहे आपके पास रेक्टेंगल है, ये दोनों वैल्यू कितने आएगी, 45 डिग्री 45 डिग्री। अब अगला स्टेप सुनना बेटे, जब आप इसको सोल्व करोगे 10 की फॉर्म में, पूरी साइड ए है तो ये बची ए वाई की, और आंख बंद करके ये भी कितनी हो जाएगी, ए वाई, क्योंकि 10 45 1 होता है, और 1 कब आता है, जब ये दोनों वैल्यू सेम। बेटे आंख बंद करके ये वैल्यू आ गई a/2, और a/2 यहाँ पर किसका काम करेगी, ये a/2 यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसका काम करेगी, r का काम कर, ठीक है। अब सोल्व करते देखो आंसर क्या आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, आर का काम कौन करे बेटे, a/2 इंटू में sin 45 प्लस sin 45, साइन 45 होता है 1/√2, ये बन गया म्यू नॉट बाई 4 पाई। बेटे ये 2 ऊपर आएगा, 2i/a, साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2, तो बन जाएगा 2/√2। और अगर इसको सोल्व करते हो आप, तो ये आ गया बेटे म्यू नॉट बाई 4 पाई
2i/a, इसको कैंसिल करोगे तो ये आंसर आ गया, इसका नाम B1 बोल लेना। B1 पहले वाले साइड का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। अब आपको पता होगा फॉर्मूले से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसका, इस वायर में जो करंट पास हुआ इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की ओ पॉइंट पर कहाँ होगी, वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सॉरी गलत बोल गए, राइट हैंड थंब रूल होता है, फ्लेमिंग नहीं खाली राइट हैंड थंब रूल। थंब को दिखा दीजिए करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को उधर कीजिए जिधर आपसे भी पूछा गया है, उसके बाद आप अपनी हथेली को देखिए, हथेली जिधर नजर आएगी उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, या इन फिंगर को मूव करवाइए, कहाँ मूव होती है, अंदर की साइड मूव होंगी, बाहर तो आ नहीं सकती, अंदर मूव होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है, बाहर अगर आती है तो किधर आओगे, बाहर की तरफ। देखो ये करंट इस कंडक्टर में ये रहा करंट, ओ पॉइंट इधर तो कुछ इधर रहे, अब आपको हथेली नजर नहीं आ रही तो कहाँ है, अंदर की तरफ इनसाइड, या फिंगर को मूव करो कहाँ गई, अंदर। तो इस कंडक्टर के लिए इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड आएगा, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड, ठीक है बेटे। अब दूसरी साइड देखो, ये रही, इस कंडक्टर को मानोगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन ये ए बाई टू आएगा, सारी वैल्यू सेम चलेगी एज इट इज। अब जो दिक्कत है, जो हमें निकालना है, वो निकालिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन निकालते हैं, देखो उधर से निकलेंगे, करंट की दर है ये रहा, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन उधर है बेटे, ये उधर है ये वाली, और पूछ कर रहा है नीचे, अब उंगलियां फिर घूमेंगी तो कहां, अंदर की साइड, कहां जाएंगी बेटे, अंदर की तरफ, आपको हथेली नजर नहीं आई, इनवर्ड, इसके लिए जो भी आएगा वो भी इनवर्ड। ये देखो करंट कहां है, नीचे, देखो इधर आना पड़ेगा, करंट कहां है, नीचे इस वाली साइड में, करंट कहां है, नीचे, और बी किधर, इस साइड पूछ रही है पॉइंट, वो इधर है बेटे, फिर कहां है, अंदर, इसके लिए भी इनवर्ड। फोर्थ जो साइड है ये रही, ये करंट पूछ कहां रहा है, ऊपर, कहां आएगा बेटे, आपने क्या देखा, जो चार साइड है और चार की चार साइड में मैग्नेटिक फील्ड आपको कहां दिखाई दिया, इनवर्ड, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से सभी की डायरेक्शन सेम है, तो बेटे चार आगे, चार को चार को ऐड कर लेंगे, बट आंसर हर बार क्या आएगा, सेम ही आया, आपको सोल्व करके बताया, तो इसको चार से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटे मुस्कान डागर म्यूट कीजिए, तो बेटे इसका ये नेट आंसर आ गया, ठीक है। अगर ये रिएक्टेंगल होती, बस कुछ नहीं होता, रिएक्टेंगल अगर होती, देखो ये दोनों साइड बराबर, इस साइड का नाम बी लिख दीजिए, तो ये बन जाएगी बी बाई, तो बेटे इन बो के कारण ये तो प्लस, वैसे ही आता प्लस टू टाइम्स म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई ए की जगह बी, ये ए बाई टू की जगह बी बाई टू, और इन टू में रूट टू, तो देखो कॉमन क्या आता है, सारी चीजें सेम है, टू टू फोर, फोर रूट टू, इन टू में म्यू नॉट बाई फोर पाई कॉमन है, आई कॉमन है, और रूट टू म्यू नॉट बाई फोर पाई आई कॉमन, अंदर क्या बचा इधर वन बाई ए प्लस वन बाई, नेट आंसर किधर दिखाओगे, इनवर्ड, अंदर की तरफ आएगा टोटल मैग्नेटिक। ये था बेटे स्टेट कंडक्टर, ठीक है। अब और देखिए स्टेट कंडक्टर का एक केस पूरा, स्टेट कंडक्टर में ही अगर पूछ लिया जाए ये कंडक्टर है स्क्वायर के शेप में हो, कैसा भी हो, अगर इसी के एक्सिस के ऊपर फॉर एग्जांपल यहां पर भी पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए जीरो। जैसे ये शेप मैंने बनाई, आपसे क्या कहा, इसमें ये करंट पास हो रहा है, ये करंट पास हुआ, और जो ओ पॉइंट है इस ओ पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो बेटा ये तो अभी मैंने बताया नहीं, ये दो कंडक्टर आपको नजर आए, ये वाला और ये वाला, दोनों कंडक्टर कैसे हैं, स्टेट कंडक्टर है, तो इनके कारण
इस पॉइंट पर जो बी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो कितना आएगा वो चेक करते हैं। तो देखो अगर आप आगे बढ़ाते हो तो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, इट मींस इस कंडक्टर के लिए इस ओ पॉइंट पर बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इस कंडक्टर के लिए इस ओ पॉइंट पर बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर उसी के एक्सिस के ऊपर लाई करे तो बेटे आप आंसर कितना लिख सकते हो, जीरो रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब आगे करेंगे, इससे आगे देखिए, ये था स्ट्रेट कंडक्टर। इसके बाद दूसरा आता है अपने पास सर्कुलर, सर्कल रिंग बोल सकते। अगर रिंग का केस लेता हूं मैं, ये रिकॉयल, और क्वाइल के एक्सिस में पूछ लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो रिंग या क्वाइल के लिए बी का फॉर्मूला होता है म्यू नोट बाई फोर पाई आई बाई आर इनटू में एंगल। बेटे जो करंट कैरिंग कंडक्टर एंगल बना कितना रहा है, जैसे ये इसमें पास हुआ, ठीक है, कितना एंगल बनाया, सेंटर के ऊपर 360 बनाया, 360 डिग्री बनाया, तो यहाँ पर 360 को 2 पाई लिख देते हैं, ये 2 पाई का, 2 पाई को हम 360 डिग्री, ठीक है। सेमी सर्कल बनाया तो पाई लिख देंगे, और अगर आपसे ऐसे बना दिया, ठीक है, ये सेंटर है, तो बेटे यहाँ पर जो एंगल बना है वो एंगल देखो ये वाला 90 डिग्री है, तो आपका आंसर 90 नहीं होना चाहिए। करंट कैरिंग कंडक्टर ने कितना बनाया, ये बनाया, ये और ये कितना है 270। अब इस 270 को आप किसमें बदलोगे, पाई की फॉर्म में। 270 को पाई की फॉर्म में कैसे बदला जाएगा, पाई बाई 180 की फॉर्म में, तो ये सॉल्व कर लेना, इतने पे कैंसिल होगा बेटे, 3 पाई बाई 2 बनेगा, 9 से कैंसिल होता ही है, तो 3 पाई बाई 2, 270 को हम कितना लिखेंगे, 3 पाई बाई 2, ठीक है, पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो देखो दोबारा से, अगर आपके पास रिंग है, क्वाइल है, और क्वाइल के सेंटर पर भी पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला है म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर इनटू में एंगल। एंगल कौन सा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर ने उसके सेंटर के ऊपर एक्वायर किया, बनाया है। अगर 360 है तो 360, ठीक है, जो भी एंगल है, बट फॉर्म रखना पाई। अच्छा, ये बेटे एक टर्न के लिए है, अगर एक टर्न है और ऐसी काफी ज्यादा टर्न हमने ली, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए तो बेटे नंबर ऑफ टर्न से यहाँ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। ऐसे दो टर्न है तो दो, तीन है तो तीन, अगर एक है तो एक के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, जो ये करंट कैरिंग कॉइल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो फिर राइट हैंड रूल होता है। राइट हैंड रूल ये रहा, एंटी क्लॉकवाइज आउटवार्ड, क्लॉकवाइज अगर होता तो इनवार्ड बोलते हैं। अपने हाथ से करके देखना, राइट हैंड को उठाना, फिंगर मूव करवाना। इसमें कहते हैं जो फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगी करंट की डायरेक्शन, और जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और स्टेट कंडक्टर में उल्टा होता है, स्टेट कंडक्टर में थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को, और फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। दोनों में उल्टा है, एक दूसरे के अप। बेटे जो करंट कैरिंग कॉइल है ये बिहेव करती है किसकी तरह, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। कैसे, ये करंट पास हुआ तो बेटे इसका मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, कर लो। अगर कॉइल को मैं ऐसे रख देता हूं तो इसका ये आएगा, ठीक है। देखो ये करंट कैरिंग कॉइल है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। बेटे इस कॉइल के बिल्कुल बीच में सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मिलेगी स्ट्रेट अपवर्ड। और जैसे हम इससे थोड़ा दूर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म बनता हुआ चला जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को पता कैसे चलेगा, बेटे अगर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, और जैसे ही वो कर्व की पोजीशन कर्व में आनी स्टार्ट हो जाती है, इट मींस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है,
वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। और आगे चलोगे तो ये आ गया, डायरेक्शन सेम, और यहाँ पहुंचकर ये बना दिया, ये डायरेक्शन सेम। ठीक है, आपसे क्या बताया, इस डायरेक्शन को मूव करो, ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ऐसे मूव करने का मतलब नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, बना के दिखाता हूँ, ये ऊपर वाला एंड इधर आएगा, नीचे वाला इधर, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं क्लॉकवाइज साउथ पोल को दिखाएगा, ये ऊपर वाला एंड नीचे आएगा, ये कहां जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज कौन सा पोल, साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहां से इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगर हमने पहले फॉर्मूला लिखा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बड़े एम से, बड़े एम का नाम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और एम बराबर होता है आई डॉट ए। एम की जो वैल्यू आएगी वो अपनी इक्वल होती है बेटे आई डॉट ए के बराबर। ठीक है, आई डॉट ए, आई करंट जो ये करंट पास, ए एरिया कितना है, एरिया की बात, तो आई इंटू ए बनेगा, और किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब सभी अपने नोटबुक वगैरह खोलो और अब आप करके दिखाओ मुझे, सभी बच्चे नोटबुक खोलिए और मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं। आप दिख नहीं रहे, दिखाई नहीं दिया? नो सर। रिया को? यस सर। चलो बेटे, जब दिखाई देना स्टार्ट हो जाए ना तब कर लेना, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपको बता रहा था पहले ही। नीचे वाले की रेडियस R1 है, ऊपर वाले की रेडियस R2 है, और इनका नाम है P Q R S। ठीक है, और ये करंट पास हो रहा है I। अब I ऐसे पास हुआ है तो ये हो जाएगा टोटल B की वैल्यू, बताइए जल्दी से सोल्व करके मुझे, टोटल B कितना होगा, बस फॉर्मूला ही बता दीजिए, फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा बेटे। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता दीजिए कि सर यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला होगा, PQ कंडक्टर का इतना आएगा, RS का ये होगा, इस कंडक्टर का इतना, ऊपर वाले का इतना। निखिल प्रेजेंट है? निखिल अनम्यूट कर बेटे, प्रेजेंट है? हाँ निखिल, डायग्राम नजर आ रहा है बेटे आपको? निखिल डायग्राम नजर आ रहा है बेटे? यस सर। अच्छा, इस कंडक्टर का बी कितना होगा? कोई भी बोल दीजिए जिसको पता है, PQ कंडक्टर का इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, O पॉइंट पर बेटे, PQ कंडक्टर का O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? किसी को नहीं पता है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? निखिल की ऑडियो ऑन है बट आवाज नहीं आई अब तक। देखो बेटे, इस कंडक्टर का इस पॉइंट पर भी कितना होगा, जीरो, एक्सिस के ऊपर है। इस कंडक्टर का भी इस पॉइंट पर भी कितना होगा, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इन दो सेमी सर्कल के कारण आएगा।
इस सेमी सर्कल का बी कितना होगा, म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर वन इंटू एंगल है पाई, सेमी सर्कल है। और ऊपर वाले का होगा म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर टू इंटू में ये एंगल भी कितना है पाई। अब आप ये देखो दोनों प्लस होंगे या माइनस, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस। देखो बेटे ये करंट ऐसे है, कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, ठीक है, कहा है इनवर्ड, और ऊपर वाले के लिए भी कहा है इनवर्ड दोनों में। अरे वैसे देख लेना ये भी क्लॉकवाइज, ऊपर वाला भी क्लॉकवाइज, इसके लिए भी बी इनवर्ड, इसके लिए भी बी इनवर्ड, मतलब दोनों के बी की डायरेक्शन क्या है सेम। और अगर डायरेक्शन सेम है तो बेटे बी को हम क्या करेंगे एड कर लेंगे, एड करने का मतलब दोनों को प्लस करना है, म्यू नोट बाई 4 पाई आई इंटू पाई कॉमन है 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, ये बी का आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है भाई, लगातार कम हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है आज बेटे। ये था आज का काम।